हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि 90% नंबर कैसे लेकर आएँ। मैं बात करूँगा क्लास 12th की, में यानी जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से क्या प्लानिंग बनाया जिससे कि 90% नंबर लाया जा सके। देखिए, आपको जो सेशन स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये देखिए, वन मंथ ख़त्म, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ ख़त्म हो चुका है। अब जो प्लानिंग बनानी है अगस्त से, यानी कि आपको ऐसा प्लान बनाना है जिससे क्या हो कि 90% आपको नंबर आ सके। ये पॉसिबल होता है। कई बच्चों के आते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस आपको कैसे पढ़ना है मैं सबको बताऊँ इस वीडियो में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ठीक। अब ये मंथ बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ बचे हैं, यानी कि 7 का अगर मल्टीप्लाई हम लोग 30 दिन के हिसाब से करते हैं तो करीब 210 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 210 डेज ओनली स्टूडेंट बचे हुए। अब तक जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो अपने आंखें खोलें, जमकर पढ़ाई करना शुरू कर दें। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है 210 दिनों में। देखिए, 210 दिनों की बात करें, करीब करीब आपके 15 फरवरी सन 2024 से आपके एग्ज़ाम बच्चे हो जाएंगे, ठीक है। 2024 में 15 फरवरी के आसपास आपकी डेट आ जाएगी, ये मानो चलिए, एक एवरेज बता रहा हूँ, 15 फरवरी के आसपास आ जाएगी। तो ये जब 210 दिन बचे हुए तो इनको कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें आपके अंदर क्या होना चाहिए, पढ़ने का थोड़ा सा जुनून होना चाहिए। जब जुनून होगा तभी आपके साथ में कुछ अच्छा सा पढ़ने का मन करेगा। देखिए, सबसे पहला दिमाग में चाहिए कि हमें, मेरा एम क्या है बच्चों, 90% लाना है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया एंड फिर PCM जो हो गया, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी जो स्टूडेंट होते हैं, मैं उन्हीं के स्पेशली बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, हिंदी इंग्लिश क्या होता है, पेपर लगभग आउट रहता है। इसमें मेन काम होता है आपको डेली क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और इसको भी डेली लर्न करना पड़ेगा। इसकी स्पीड बहुत ही जरूरी होती है। क्या होती है, स्पीड आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेपर आपका बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। इसके क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपके स्कूल में टेस्ट हों या जहाँ पर आप कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ पर टेस्ट हों, तो वो आप जरूर दीजिए, आप मिस मत करिए उनको। आप मिस करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, ठीक है, स्पीड नहीं आ पाएगी, एक्यूरेसी आपकी नहीं अच्छी हो पाएगी। तो हिंदी इंग्लिश के पेपर लगभग क्या होता है, बोर्ड में आउट रहता है, ये पढ़ लो या आना। मेन काम क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में क्या काम होता है एंड बायोलॉजी। देखिए, फिजिक्स में क्या होता है, जितनी भी डेरिवेशन है उनको लगाना शुरू कर दिए, जितनी भी हमारी डेरिवेशन है वो याद करिए, वो प्रैक्टिस करिए, साथ में जो आपके थ्योरी है उसको अच्छे से लर्न करिए। एंड इसमें मेन काम क्या है बच्चों, फिजिक्स में जमकर जो न्यूमेरिकल होते हैं उनकी आप जमकर प्रैक्टिस कीजिए, तो वही आपके परसेंटेज अच्छे आ सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री जो मेन मुद्दा है वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन है आपको मिलेंगी वो आप जमकर करिए। देखिए, पी ब्लॉक तो हट गया, तो उसमें इतना कंफ्यूज नहीं होने पर रिएक्शन आपको एक्शन लेना बहुत पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो धीरे धीरे करेंगे। तो अभी बहुत समय है, 210 दिन बचे हुए हैं, तो आप करना शुरू करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब समय आ गया। तो आज से आप लोग बिल्कुल जग जाओ, बिल्कुल शुरू कर दो पढ़ने के लिए, जमकर प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई करिए। मैथ कम से कम पूरे साल में कम से कम 15 बार तो रिवीजन कर डालो यार, ठीक है, 15 बार रिवीजन कर डालो यार आप लोग। बायो में तो इतने बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लर्निंग वाला सब्जेक्ट लर्निंग करिए। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं इनके आधार पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। देखिए, नंबर वन पे, देखो अब मैं बताऊंगा आपको फंडा कैसे लाने, नंबर वन पे वो सब्जेक्ट रखो जिससे आपको डर लगता है, जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मोस्टली बच्चों प्रॉब्लम किस में होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में होती है। हो सकता है किसी बच्चे को मैथ नहीं आती तो मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, किसी बच्चे को अगर लगता है केमिस्ट्री नहीं आती तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस, किसी को फिजिक्स नहीं आती फिजिक्स की, यानी कि ये तीन जो सब्जेक्ट है इनको ढंग से
ढंग ढंग से इनको चबा जाओ, बिल्कुल जैसे नहीं चूहा होता है छोटे टुकड़े कर देता है, वैसे आपको सब्जेक्ट से डरना नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करनी है। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर क्या मैं ये कहूँ कि आप हाथी खा लेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहेंगे नहीं खा पाए, उसमें से जो स्मार्ट बच्चा वो क्या कहेगा, यस सर मैं खा सकता हूँ। कैसे, अगर हाथी इतना बड़ा होता है तो क्या होता है, उसको पीसेस करो ना, पीसेस करो, जितना पीसेस करोगे उतना जल्दी हो जाएगा काम। तो जितना भी आपको पढ़ाई करनी है तो छोटे छोटे अपने टारगेट दीजिए, अपने आप को इम्प्रूवमेंट कीजिए, तब जाकर धीरे धीरे आपके पास जो समय बचा हुआ उसका सदुपयोग करेंगे तो ही आपके 90% आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 90% लाना कोई कठिन काम नहीं होता है, और मैं आपको साथ में प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, कुछ दिनों बाद मैं भी आपके साथ में इंटर का जो मटेरियल है या जो हमारे हाईस्कूल बच्चे जो इस वीडियो देख रहे हैं सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, तो कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। पर यह है कि बच्चों जागो, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ समय बचा हुआ है 200 डेज बचा हुआ। क्यों हमने कहा 15 फरवरी के आसपास एग्जाम है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने पहले से ही कह दिया है कि हाँ 15 फरवरी के आसपास एग्जाम लेंगे। तो ये मान चलिए अपना जो यूपी बोर्ड है वो भी क्या कह रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं भी करा लूँगा 15 फरवरी तक एग्जाम। तो इसलिए क्या है कि आप 200 दिन का ही टारगेट बना चलिए कि 210 दिन बचे हुए, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, कोई डाउट है तो हम लोग तो हैं, और भी आप लोग के जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी आपके हेल्प करते हैं। वो स्कूल के जितने भी एग्ज़ाम है उसको मिस मत करिए, और कोचिंग वगैरह में जो भी टेस्ट हो उसको मत मिस कीजिए, क्योंकि 210 दिन का ऐसा प्लान बनाइए आपके जिससे आपके 90% आपके एग्ज़ाम में परसेंटेज आपके आ जाए। तो ये अगस्त की प्लानिंग है, और बाकी मैं धीरे धीरे बताता रहूँ किस तरीके से पढ़ाई आपको करनी है। मैं कॉपी में दिखाऊँगा आपको कि कैसे 90 जो प्लस वाले परसेंटेज जो बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। आपके जो आने वाले फ्यूचर वीडियोस मेरे हैं वो सब कुछ बताऊंगा मैं आप। मैं इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ, देखिए अब मैं बताऊंगा कि 90% के लिए आपके पर सब्जेक्ट में कितने नंबर होने चाहिए, ये भी ध्यान दीजिए कि 90% अगर आपको लाने हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा मैं आपको कुछ बढ़िया सा चीज़ जिससे क्या होगा आप लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात जान जाइए कि 90% वाले बच्चों की मार्कशीट कैसी होती, कितने नंबर आते हैं। देखिए जैसे हिंदी का पेपर आउट रहता है, हिंदी में 95-96 नंबर तो आराम से आ जाते हैं, ठीक। इंग्लिश में भी आप जरा सा ध्यान देखें तो इसमें भी 95 के आसपास आते हैं। फिजिक्स में आप मेहनत करेंगे तो आराम से 85-90 आराम से आ जाते हैं। देन केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन आपने अच्छे से तैयारी कर ली और जो शुरुआती 3 चैप्टर भी लिया, रसायन विलगत की और विद्युत रसायन, इनकी आपने डिफिनेशन अच्छे से याद कर ली, कुछ न्यूमेरिकल एक दो तैयार कर लिए जो आते हैं, दो ज़्यादा नहीं आते न्यूमेरिकल वो तैयार कर लिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 90 से लेकर 92% तक नंबर आ जाते हैं। देखिए लाने वाले बच्चे तो 100 आए, पर मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल ठान लो यार कि हमें 90% लाने तो लाने हैं, ठीक। बार बार मौका नहीं मिलता है, पता है जो मार्कशीट आपके बन गए ना तो आपके बच्चों के बच्चे भी देखेंगे, तो ध्यान रखना कि कम से कम वो बच्चे प्राउड फील करें कि देखो यार मेरे फादर ऐसे थे, मेरे ग्रैंड फादर ऐसे थे, जिससे क्या होता है कि आप लोग को हमेशा वैल्यू मिलेगी। मैथ में अगर जमकर प्रैक्टिस करेंगे तो 96-97 आते हैं, इन तरह के जो नंबर आपके हैं, बायो के भी क्या होता है नंबर अच्छा आता है, 90 तक आते हैं। जब इस तरीके से जो नंबर आप लेके आओगे ना 96-95 इतने राउंड तब जाके आता है 90% प्लस तक नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना कैसे है। जुलाई खत्म हो चुकी है, अगस्त जो आ चुकी है इस पर बिल्कुल ठान लो कि हाँ मुझे पढ़ना है, 210 दिन का जो टारगेट मैंने दिया हुआ उस पर आप जमकर प्रैक्टिस कीजिएगा, जमकर बढ़िया तरीके से प्लानिंग कीजिए, जमकर पढ़ाई करिए बस। और क्या हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सभी लोगों के 90% के अबव नंबर आपके आने चाहिए। जरा से भी आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली दोस्तों भी इनको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी चैनल में अगर नए आ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।